दोस्तों मोबाइल की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हम कभी ना कभी या फिर रोजाना करते आ रहेंगे। ये कौन सी प्रॉब्लम है, आखिर ये हमारे मोबाइल में क्यों होती है, इसका क्या सलूशन है, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि प्रॉब्लम आखिर है कौन सी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक में। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हम कभी ना कभी जरूर किएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यदि कभी अपने मोबाइल से गाना सुनते होंगे तो वहाँ पे जब आप ईयरफोन लगा के गाना सुनते हैं या फिर आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या फिर हमेशा कभी आप गाना सुनते हैं तो वहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है कि उसे हम नेक्स्ट करना चाहें, बैक करना चाहें, पुश करना चाहें, प्ले करना चाहें तो यह नहीं हो पाता। हमें अपने मोबाइल को निकालना होता है, स्क्रीन ऑन करनी होती है तभी जाकर वहाँ पे यह काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोचिए कि आपके ईयरफोन ये सारे काम कर सके, बैक भी करे, फॉरवर्ड भी करे, पुश भी करे, प्ले भी करे, आपके कॉल है उसे भी रिसीव करे, सब कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यही यहाँ पे सलूशन लेकर आया हूँ आपकी इस प्रॉब्लम का। सिर्फ आपका जो ईयरफोन होता है वो सब कुछ कर लेगा। यहाँ पे मेरे मोबाइल में ईयरफोन लगा हुआ है जो कि आप नहीं देख सकते क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसलिए आप इसको नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईयरफोन लगा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि यह कौन सा एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन की साइज सिर्फ 1.5 MB इस एप्लीकेशन की साइज है और यह एप्लीकेशन ने बनाया है इसलिए इस पर कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। जब यह एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, सिर्फ आपसे स्टोरेज का परमिशन मांगेगा, उसके बाद कोई भी परमिशन यह नहीं मांगेगा। जब इस एप्लीकेशन को आप दोस्तों खोलेंगे तो बहुत सिंपल इसका इंटरफेस है, हम देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है। वहाँ देख सकते हैं म्यूजिक डिफॉल्ट कहाँ देख सकते हैं ये ऑफ, इसे आपको ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदी बना है, दो बिंदी बना है, तीन बिंदी बना है। यदि आप अपने ईयरफोन का एक बार दबाएंगे तो यहाँ आपका यह प्ले या पुश होगा। यदि दो बार दबाएंगे लगातार, दो बार फिर आपके जो ईयरफोन के अंदर जो बटन लगा रहा था उसको यदि आप दो बार दबाएंगे तो ये आपका नेक्स्ट ट्रैक हो जाएगा। यदि तीन बार दबाएंगे तो वो आपका गाना बैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप कॉल भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि कुछ और भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आइडियल डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे यहाँ देख सकते हैं। यदि कभी भी आप अपने मोबाइल में अपना ईयरफोन लगाते हैं तो आपको म्यूजिक प्लेयर भी खोलने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप एक टैप कीजिए करेंगे यहाँ देख सकते हैं लास्ट यूज म्यूजिक प्लेयर आपका तुरंत ओपन हो जाएगा, जो लास्ट गाना आप सुने हो वो गाना प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे दो लिखा है नो एक्शन, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सेट भी करके दिखाता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का भी यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है। मान लीजिए आप अपने गाना सुनते हुए समय अपने वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं अप कर सकते हैं ज़्यादा करने के लिए। यदि आप गाना सुनते समय कोई की क्योंकि कभी कभी किसी गाने का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है तो यहाँ पर आप डाउन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डाउन का भी ऑप्शन बना है। यह दोस्तों यदि यह उस समय काम करेगा जब मान लीजिए दो बार आप अपने ईयरफोन के जो बटन दिया था उसे दो बार आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है अप डाउन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं, ये तो सेटिंग हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं अपने म्यूजिक प्लेयर के अंदर, वहाँ देखते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपली यहाँ से हम चलते हैं अपने म्यूजिक प्लेयर के अंदर, यहाँ देख सकते हैं ये है मेरा म्यूजिक प्लेयर। इस म्यूजिक प्लेयर को हम कर लेते हैं यहाँ से ओपन, यहाँ देख सकते हैं यह मेरा म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हम करते हैं एक बार अपने कीपैड जो मेरा यहाँ ईयरफोन लगा हुआ है उस ईयरफोन के बटन को सिर्फ एक बार दबाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा गाना बजने लगा। अब यदि मैं एक बार और दबाता हूँ तो यहाँ देखता हूँ दो बार यदि मैं लगातार दबाऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसको दो बार दबा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने दो बार दबाया ये गाना मेरा आगे हो गया। अब मुझे तीन बार यदि हम दबाएंगे तो ये गाना मेरा बैक भी हो जाएगा। यहाँ चलिए देखते हैं मैं यहाँ पे तीन बार इसको दबाता हूँ, देख सकते हैं ये मेरा बैग भी यहाँ पे हो गया। तो कितनी आसानी है दोस्तों, अपने ईयरफोन में जो आपका बटन लगा है उस बटन से भी आप अपने गाने को आगे पीछे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि आपका मोबाइल बंद है उस कंडीशन में भी यह काम करेगा। तो अब आप कभी भी कहीं भी ट्रेवलिंग कीजिए, अपने ईयरफोन को अपने कान में लगाए रहिए और अपने ईयरफोन के बड़े बटन को दबाते रहिए, आगे पीछे करते रहिए, आपका गाना बजता रहेगा, आपको अपने मोबाइल भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।